सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर BR935 विथ कड़क छोरे सरस और अनु BR935 पर रोज शाम को मौज लूट लो इनके साथ में सरस अनु छोरे कड़क है सुन लो बात ये सरस अनु छोरे कड़क है सुन लो बात ये सुनते रहो रेड एफएम BR935 मंडे टू सैटरडे शाम 5 से 9 ओनली ऑन 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। तो एक पहेली से स्टार्ट करता हूँ। हाँ। आपको बताना है कि वो चीज क्या है। ओके। अच्छा पहेली। हाँ, पहेली पहेली से शुरू करें। ठीक है। उलझते जुल्फे लहराते बाल उलझते जुल्फे लहराते बाल इंटरटेनमेंट का बिछाते जाल नंबर प्लेट लगाकर हरदम रोज शाम को मचाते धमाल पटना के तो गणेश सूर्य अनुपम क्या बात है। तो एक बार संसद वाली ताली हो जाए। संसद वाली करनी है मतलब उलझते हुए बाल सुलझते हुए बाल लहराते हुए बाल दोनों की और नंबर प्लेट भी यार नंबर प्लेट भी यार तो अच्छा मतलब हेयर स्टाइल का ये आइडिया कहाँ से आता है और कितने हेयर स्टाइल का आइडिया नहीं आता बेसिकली लोग जो भी हैं जो हमें फॉलो करते हैं वो इनबॉक्स में बड़ी अलग अलग बढ़िया बढ़िया गंदे गंदे कहते हैं बढ़िया बढ़िया मैसेजेस करते हैं सो उन मैसेजेस की वजह से चल रहा है। तो आज सरस के अलावा यहाँ पर कबीर सिंह बैठे हुए हैं रणवीर सिंह बैठे हुए हैं या फिर केजीएफ बैठे हुए कौन बैठे हुए हैं। अच्छा ये जो तीन नाम भाई ने लिए इन तीनों ही लाइक हमको अगर पर्सनली बताए जो मैसेजेस आए कबीर सिंह तो लेटेस्ट चलो आया कुछ बार आया केजीएफ अपना यश है वो जो एक्टर है उसमें यश ही नाम है ना यश भाई सो यश का भी आया और रणवीर सिंह तो खैर बैंड बाजा बारात के टाइम से सुनते चले आ रहे हैं बट मैं हमेशा मैंने एक बार लिखा भी था कि यार सरस रहने दो। सही बात है मुझे सरस रहने दो क्योंकि मैं देख के कुछ नहीं कर रहा हूँ किसी को नेचुरली ऐसा ही है लोग उन्हें बोलेंगे कि वो देखो सरस जैसा दिखता है रणवीर सिंह और ऐसा रहना चाहिए उतना टाइम मेरे को लगेगा जैसे वो अचीव कर लिया ऐसा ही चाहिए कि हमें किसी को कॉपी नहीं करना मैं सरस हूँ भाई मैं और आपकी मतलब अनुप के बदले कौन हंसराज हंस बैठे हुए या फिर जुबिन नौटियाल बैठे हुए जुबिन नौटियाल हंसराज हंस का तो पता नहीं बिकॉज काफी लंबे टाइम से एक्सपेरिमेंट्स अपना चालू है बीच में मैंने स्ट्रेट भी कराए थे लंबे भी कराए थे छोटे भी कराए काफी ज्यादा ट्राई भी किया बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें ट्राई नहीं किया है इसका क्या है कि इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है मजा नहीं ट्राई करना नहीं होता क्योंकि देखो अपने को क्या है ना कि अपने यहाँ ज्यादा टाइम रहता नहीं 12:30 पे ऑफिस आनी है अपन नहाने जाएंगे 12:15 पे ठीक है तभी फोन न्यूट्रल नहाने का ठीक है तो ऐसे में क्या कि अगर कुछ और स्टाइल कर लेते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है कि भाई ये करो ब्लो ड्राई करो वैक्स लगाओ हैंड तैंड लगाओ तो उसमें बहुत टाइम लगता है अपने को ज्यादा टाइम नहीं चाहिए अपन क्या कि आराम से उठेंगे बाल ऐसे कर लिया सेट है चलो बस मैंने भी बीच में बराबर रखा हुआ था मुझे लगा क्या कि मैं एक फोटो पोस्ट करूं और टैग करूं आरजे अनुप रेड एफएम की मैं आपको चुनौती दे रहा हूं लेकिन फिर मैंने कटवा लिए बाल लेकिन सही लंबे बाल से ठंड नहीं लगती ऐसे कान बच जाते हैं और मतलब अभी तक में सबसे बेस्ट आपका कौन सा रहा स्ट्रेट वाला या फिर आपके मैंने स्पाइक्स भी देखे हैं स्पाइक्स भी और ये उलझते हुए जुल्फे भी मैंने देखे हैं एक बार जब मैं कलकत्ता में था तब मैंने क्या किया तब दाढ़ी और बड़ी थी तो बीच में एक मूवी आई थी हैदर शाहिद कपूर छोटे छोटे बाल थे बट थोड़ी बड़ी दाढ़ी थी अच्छा तो मैं वो कर तो लिया मुझे लगा कि मैं शाहिद कपूर लग रहा हूँ बट मैं नहीं ऐसे बाहर फिर बाद में मैंने एक मूवी देखी हैंगओवर उसमें एक एलन नाम का कैरेक्टर रहता है तो वो थोड़ा हेल्दी चबी चबी टाइप का मुझे लगा कि मैं शाहिद कपूर लग रहा हूँ मूवी देखे अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया तो ठीक है दाढ़ी छोटी करा लेते हैं तो इस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट चालू है लंबे टाइम से। अच्छा सरस अनुप वापस शो पर आते हैं ये जो BR935 है मतलब अपने आप में यूनिक सा है आइडिया कहाँ से आया है ये आइडिया बेसिकली हमारे लाइक हेड ऑफिस का ही दिया हुआ है जब हम लोग दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहे थे अपनी सो उस वक्त में ये था कि हाँ भाई पटना में इवनिंग शोज बाकी स्टेशन में भी कुछ ना कुछ चल ही रहे हैं तो हमें क्या चाहिए कि पटना के दो कड़क छोरे हैं लाइक हमारे साथ लग गया है कि हम पटना के हैं आप समझ रहे ना मेरी बात सो हम दोनों पटना के हैं तो और पटना का बिहार का क्या है सो BR तो हमारा टैग है लाइक आप बिहार से बाहर अगर होते हो गाड़ी पे BR करके नंबर लिखा हुआ है मतलब ऐसा तो... कि जैसे अगर यूपी का कोई रेडियो नहीं 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 ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसे कुछ जैसे लखनऊ में यू टर्न है ना दिल्ली में जरूर DL935 है सो बंगाल में WB935 है तो है मतलब ज्यादातर है कह सकते हैं लेकिन हाँ अगर दो लोगों की बात करें लाइक पटना के दो कड़क छोरे सो दिल्ली के दो कड़क लौंडे रेड एफएम की मैं बात कर रहा हूँ और भुवनेश्वर के दो कड़क लौंडे सो दो ही तीन स्टेशन में ऐसा है बाकी हर जगह नहीं है सो ये दो का जो कॉम्बिनेशन है ये ऊपर वालों ने ट्रेनिंग में पता नहीं क्या देखा कि हाँ इन दोनों को साथ बैठाया जाए तब से साथ है तब से साथ है और बढ़िया चल रहा है अच्छा अच्छा मैंने बातों बातों में मैंने इंट्रो देना भूल गया तो जो हमारा
एक एपिसोड आता है गपशप विद आयकन, तो आज दो दो हमारे करण छोरे बैठे हैं सुपर 93.5 रेड एफएम पटना से, तो इनका एक बार यहाँ पर ऑडियंस है नहीं, हम लोगों को इजाजत दीजिएगा स्वागत नहीं, ऑडियंस एक बार स्वागत कर लेते हैं दोनों करण, स्वागत है सर और उन लोगों का भी स्वागत है जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये लोग नहीं होते तो शायद आप इधर बैठे हम लोगों से बात नहीं कर रहे होते। और फिर आप, मैंने सुना आप लखनऊ से और आप सिलीगुड़ी, या बंगाल के साथ सिलीगुड़ी, तो वहाँ पे दादा ना अनूप दा, अनुप दा लोग ज्यादा वैसे जैसे यहाँ पर भैया बोलते हैं, हाँ। तो भैया से धीरे धीरे आदमी पापा बनते हैं, फिर दादा बनते हैं, तो दादा से भैया बने बंगाल में भैया को दादा बोलते हैं, ठीक है, तो और वहाँ पे जैसे भैया को दादा बोलते हैं, बट अगर प्यार से किसी को भैया बोल रहे हैं तो दा बोलते हैं, जैसे कि सरस दा बोलेंगे, सरस दादा बोलेंगे अगर बहुत मुस्टंडे हैं बड़े हैं। एक सेकंड, भैया को दादा मतलब बड़े भाई को दादा बोल, बड़े भाई को दादा बोल, तो ये तो लखनऊ में भी है, और फिर दादा को दादा क्या बोलते हैं लखनऊ में भी है, यूपी में बहुत सारी जगहों पे, इवन मैं अपने बड़े भाई को दादा ही बोलता हूँ, अच्छा, मतलब भैया भी बोलता हूँ, अच्छा, और दादा भी बोलता हूँ, अच्छा, मतलब देश के कई जगह पे बहुत बहुत जगह, बहुत सारे ऐसे जगह सिर्फ बंगाल में दादा बोलते हैं, दादा बोलते हैं, वो लखनऊ तो नवाबों का शहर, लखनऊ कानपुर में भी दादा बोलते हैं, अच्छा, हाँ, मेरा रिलेशन बहुत ज्यादा है लखनऊ मेरठ में, यही ना कि देख कंटा आपके नीचे, नहीं नहीं वो तो खैर मेरे ख्याल से बहुत देखो बहुत सीधी सी यूनिवर्सली एक्सेप्ट होने वाली लैंग्वेज कंटा, यूपी को जिन चीजों की वजह से यूपी के बारे में लोग बात करते हैं बाहर के, हाँ यूपी है तो कंटा, कानपुर है तो पीक, एक बात बताओ एग्जाम्पल के लिए, बिहार है तो भी बहुत सारी चीजें लगी हुई है, बट ऐसा है नहीं ना, लेकिन मतलब चेंज हो जाता है वहाँ कंटाप, देख कंटाप कान के नीचे, यहाँ पे कंटाप लग रहा है, हाँ मस्त लग रहा है, है। सो ये मेरे ख्याल से लोकल लिंगो है हर जगह का अपना अपना, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोग यहाँ पर बहुत आसानी से बोल लेते हैं, बट अगर बंगाल की बात करें तो तुमने बताया हम वहाँ पर ये नहीं बोल सकते मेरे बाल अच्छे हैं या तेरे बाल, नहीं बोल सकते, अब मेरे को मतलब नहीं पता है क्या होता है, ये पता है कुछ खराब सा होता है उधर, लोग गलत सेंस में ले लेंगे, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। और फिर बंगाल और लखनऊ से पटना आना कैसा लगा, जब पता चला था कि पटना जाना है कैसा लगा था? अच्छा लगा था, क्योंकि यार देहरादून में जब मैं था, 3 से 4 साल रहा मैं देहरादून में, पढ़ाई कर रहा था अपनी, सो देहरादून में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिहार से थे, इवन पटना के भी हैं, लखनऊ में जब तक मैं था वहां पर जो जो काम कर रहा था वहां पर जागरण में एक भाई साहब का ट्रांसफर हुआ था पटना से, सो वो भी पटना के ही हैं, और इससे पहले मैं जिस स्टेशन में था वहां पर जो मेरे हेड थे वो भी पटना से ही गए हुए हैं, सो कुछ बहुत मेरे लिए वो नहीं था कि यार पटना कैसा होगा, क्योंकि लोगों से पहले ही मिल चुके हैं और बहुत अच्छे से मुलाकात हो चुकी है, सो पटना अच्छा मतलब होगा, मिला हुआ था, लेकिन यहाँ पर कभी आना आए आए कभी नहीं थे, आए तो इवन पहली बार ही थे पटना, नहीं मेरा एक्चुअली ये था कि मैं बंगाल से था, बट पटना आने के पहले मैं रांची में था, अच्छा, 1.5 साल के आसपास, वहाँ एक दूसरी कंपनी में जॉब करा था, तो वहां से मेरा ये पॉइंट था कि जब भी मुझे सिलीगुड़ी जाने का सोचना होता था तो वहां से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ट्रेन्स भी है तो एटलीस्ट 36 घंटे 48 घंटे ऐसे लगते हैं, तो बहुत डिस्टेंस फील करते हैं, एंड मेरा ये पॉइंट है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसे जगह काम करो जहां से आप घर 24 घंटे के अंदर पहुंच जाए, तो पटना स्विच करने का रीजन एक तो रेड एफएम, बिकॉज मैं रेड के साथ पहले भी था, तो एक अलग इमोशन जुड़ा है रेड के साथ, अच्छा। बहुत ही स्वैग वाली फीलिंग आती है वो थी, उसके बाद यहाँ पे करियर स्टार्ट हुई थी रेड से, नहीं करियर मेरी बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, या एंड उसके बाद पता चला काफी यंग टीम है, एंड मेरी किस्मत में ऐसा था नहीं कि यंग टीम अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ काम करो, तो ये मैं बहुत एक्साइटेड था उस टाइम पे कि चलो कुछ नया होगा, बिकॉज अब तक क्या है कि सब अपने से बड़े बड़े, पूरे ऑफिस में सबसे यंग मैं ही रहा हूँ, बट ये पहली बार हुआ है कि मेरे ऑफिस में मेरे से भी यंग लोग हैं, मेरे एज के भी लोग हैं, तो एक अलग एक्साइटमेंट होती है ना कि भाई अपने लोग मिल रहे हैं और अपने एज के हिसाब से काम करें, दैट्स व्हाई मैं सोचा चलो एक बार पटना एक राउंड मार ही लेते हैं, सो रांची से पटना आना हुआ। अच्छा ये इसने बोला है, बट हमको जो पता चला था हमारे ऑफिस से पता चला ये तो सिर्फ पैसे पे जाता है, जहाँ पैसा ज्यादा मिलेगा ये उधर चला जाएगा, वो तो ट्रेनिंग के टाइम में भी बोला गया इसको, ये आई थिंक ये सब में होना चाहिए, ये सब में होना चाहिए, एटलीस्ट इस एज में अगर आप पैसे को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो टाइम नहीं रहेगा भाई आगे जाके, तो जो इतना इसने माहौल बनाया है उसको देखकर कोई इमोशनल नहीं होगा, फैक्ट यही है कि इसको पैसा ज्यादा दे रहे थे तो ये इधर आ गया, सीधी सी बात है। और आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ? मेरा करियर यार पता है मेरे को खुद नहीं पता कैसे क्या क्या मैंने किया है, मैंने नो डाउट स्ट्रगल सब करते हैं, इसने भी किया होगा मैंने भी किया है, आप भी कर रहे हैं या कर लिया होगा थोड़ा ऐसे कर रहे हैं, कर ही रहे हैं यार सब स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी कर ही रहे हैं अच्छे फ्यूचर के लिए, सो मेरा वही था कि पहले इंजीनियरिंग में डाल दिया गया कि यार नॉर्मल ग्रेजुएशन करने से अच्छा है एरोनॉटिकल कर लो, अच्छा है ना, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की पढ़ाई कर लो देहरादून जाके, 3 ही साल करने 4 साल करने पढ़ाई करके फिर जो मना कर लेना, ठीक है। सो एविएशन में पहली बात तो मन नहीं था, बहुत साफ सी बात, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की, डीजीसी के पेपर वगैरह भी दिए क्लियर किए,
सो वो सब करने के बाद में मैं वापस लखनऊ जब आया था, सो मतलब एकदम फ्रैंकली बताऊं तो जॉब का बहुत लोचा था एविएशन इंडस्ट्री में, जहां पर लग भी रही थी वहां पर पैसे बहुत देने पड़ रहे थे, ये दूसरा पॉइंट था. सो फिर मैंने एक रेडियो सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन किया. अच्छा. कोर्स करने के बाद फ्रीलांसिंग एंकरिंग शुरू किया, स्टेज शोज. अच्छा. बहुत बढ़िया मिल रहे थे. अच्छा. मतलब दैनिक जागरण ये कार्ड देना तो मतलब बड़े बड़े अखबारों के साथ मैंने मिलके वहां पर बहुत काम किया और लोग जानने लगे. फिर ऑल इंडिया रेडियो में हुआ सिलेक्शन, उनका एक एफएम सेक्शन है. ऑल इंडिया रेडियो पेपर ने अप्रोच किया था या फिर आपने? नहीं नहीं, वहां पर डेट साथ लाइक डेट आई थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वैकेंसी आई हुई थी. अच्छा. सो अप्लाई करने पे बहुत टफ है वहां का पूरा जो प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा टफ है. सो पहले रिटर्न है, फिर ये है, फिर वो है, ऐसे करते करते सो फाइनली वहां से क्लियर हुआ पहली अटेम्प्ट में. सो वहां पे होने के बाद मेरे ख्याल से 3 साल उसके साथ में स्टेज शोज चल रहे थे. रेड एफएम से कांटेक्ट हुआ, फिर पहले पटना किसी और स्टेशन में आ रहा था. अच्छा. उनसे बात चल रही थी बट उनके फाइनल करने से एक दिन पहले रेड एफएम ने फाइनल कर दिया. अब देखो पैसों की बात तो कर रहा था. रेड वाले ज्यादा दे रहे थे ना, उन्होंने बताया नहीं कि आखिर देने वाले क्या है, कितना देने वाले हैं. बट रेड एफएम से जो भी बातें हो रही थी, और पर्सनली मुझे रेड एफएम बहुत पसंद है क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, छोटा मतलब उतना भी छोटा नहीं, टेंथ के करीब, ऐसे हाँ ऐसे मान लो. सो लखनऊ रेड एफएम में एक प्रतीक करके आते थे मॉर्निंग शो करने. अच्छा. सो अभी किसी और स्टेशन में है वो, प्रोग्रामिंग हेड है, बट उनका शो मैं सुनता था, मुझे बहुत पसंद था कि भाई बैंड क्या बैंड बजाते हैं लोगों की यार. अच्छा, मतलब उस समय, मतलब अभी तो इनफॉर्मल हो गया है सारा कुछ, उसमें फॉर्मल तरीके से कभी उस समय जो आवाज आती, मतलब रेड एफएम नहीं, पता है सारे रेडियो स्टेशन एक जैसे साउंड कर रहे थे, रेड एफएम एकदम अलग, लाइक लग रहा था कि हमारे लिए चैनल है, हमारे लिए नए गाने बजा रहा है, बैंड बजा रहा है कॉल करके. अब सबसे बड़ी चीज है कि वो चीज पसंद थी, और जब मैं रेड एफएम में आया तो हम दोनों को भी एक सेगमेंट दिया गया कि बैंड बजानी है लोगों की. मतलब ये सारी चीज जो अभी हो रही है पहले भी होती थी? ये हाँ होती थी, लाइक वो उस टाइम पे करता था बैंड कॉल. हाँ. है ना, बाकी भी बहुत सारे लोग देश के बड़े बड़े आरजेज है जो करते हैं, बैंड बजाते हैं कॉल करके. बट हम लोगों को ये मौका मिला तो मजा ही आ गया. हमने यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, किसी को कॉल करना और कहना भाई तुम्हारी बकरी खोई हुई है. और फिर जब स्टार्टिंग में जब आपने बैंड बजाना स्टार्ट किया होगा तो बड़े अच्छे अच्छे, देखो एक एक हफ्ते तक बहुत सारे, बहुत सारे. अरे तो कैसा लगता था उस समय? अरे बाप रे, एक हफ्ते तो भाई हम सच बता रहे हैं. इनिशियली क्या है कि इनिशियली गुस्सा आता था. फिर बाद में समझ में आया कि वो हमें थोड़ी बोल रहा है, हम जो बन के कॉल कर रहे हैं उनको बोल रहा है, तो हम लोग अपने पे क्यों बोले. फिर बाद में उन्हें समझाते भी होंगे कि नहीं, बाद में बाद में सॉरी वॉरी बोलने लगता है, सॉरी भैया क्या बोल दिया. मेरे को लग रहा है कि यार मैं पहले से यार ओवर थिंकिंग करने वाला बंदा, मैं ओवर थिंकर हूँ, मुझे पता है. मैं रात में अगर नहीं सो रहा हूँ तो मैं जरूरी नहीं मोबाइल चला रहा हूँ, टीवी देख, मैं सोच रहा होता हूँ किसी ना किसी बात में, वो कुछ भी हो सकता है हमारे शो में, और अच्छा क्या हो सकता, मतलब है सोच रहे क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ भी चल रहा होता है. प्लस में ये भी कि सर्द चल रही तो हाँ, और स्टार्टिंग में नहीं, अभी तो खैर वो तो उस पे आएंगे लेकिन स्टार्टिंग की अगर बात करें, जब बैंड किसी की बजाते थे वो उधर से उल्टे सीधी बातें गालियां देता था, तो यार मैं रात में सोचता रहता था कौन सी नौकरी पकड़ लिया, बंदे गालियां दे रहे हैं. और ऐसे अभी ऐसे कि सामने वाला गाली नहीं देता तो हम लोग सोचते हैं इसको और परेशान करें. हाँ, अब बुरा लगता है, निकलवाएंगे एक बार मुंह से. अब सच में बुरा लगता है, हैबिचुअल हो गया. हाँ, अच्छी बात नहीं है. अब वही कहते हैं भाई, किक नहीं मिलती बिना गाली के. दो चार ना है तो लगता है कैसा बंदा है, किसकी बैंड बजा रहे हैं, तो बोल ही नहीं पा रहे कुछ. कई तो ऐसे होते होंगे जिन्हें बता दो कि हम रेड एफएम से बोले, फिर बाद में क्या भैया फिर भी क्यों कॉल कर देते हैं. नहीं, अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ट्रू कॉलर की. ट्रू कॉलर में क्या है कि हम लोग जिस नंबर से कॉल करते हैं वो नंबर कई बार उसमें डिस्प्ले हो जाता है, बहुत लोगों ने सेव कर लिया होगा, तो कई बार डिस्प्ले हो जाता है. अच्छा. तो बहुत बार लोग ऐसे फोन उठाते हैं, बोलते हैं हाँ रेड एफएम से बताइए. कई बार इस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे कि इनकी बैंड बजा दो, उनकी बैंड बजा दो. मैक्सिमम में यही होता है कि लोग पकड़ लेते हैं एकदम स्टार्टिंग. नहीं, मैक्सिमम नहीं होता है, ये सेकंड मैक्सिमम चीज है. मैक्सिमम ये है, काफी बार तो खुश हो जाते हैं. अरे नहीं लोग जवाब कुछ तो नहीं आ रहा है भाई. देखो एक बात बताते हैं, बाहर साइड में बात होती है भाई, यूपी बिहार के लोग गुंडागर्दी ये वो होती है ना. फैक्ट ये है ना कि अंदर से बहुत डरते हैं यार, और दुनिया में सब डरते होंगे. हर आदमी गुंडा नहीं है ना भाई. तो होता क्या है कि जब किसी को कॉल करते हैं और थोड़ा अब जैसे ये बेस डाल के जरा बोल, हाँ कौन बोल रहा है, नॉर्मल एक कॉल की गई है, कौन बोल रहा है, ऐसे जब आवाज आती है ना तो उधर वाला सकपका जाते हैं, घबरा जाते हैं भाई कहां से कॉल आ गई यार. तो दो तीन बार तो वो कंफर्म करता है, भैया कहां से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो. और जहां इधर से थोड़ा टाइट हुआ, चौराहे पे खड़ा था फोन काट के ब्लॉक कर देता उठाता ब्लॉक. तो बाप रे, अब कितने हो रहे हैं यार, हमारा नंबर ब्लॉक है. अच्छा, तो ये हफ्ते में कितने बार आप चूना लगा लेते हो?
छह लोग सुन पाते हैं हम लोग बिहाइंड द सीन, कम से कम एक दिन में छह सात तो ट्राई कर लेते हैं। हाँ ये भी है, ये है। अच्छा तो कोई ऐसे ऐसे भी होते होंगे जो आपको नंबर देते होंगे कि इसका बैंड बजाना है, आप उसे फोन लगाते होंगे फिर वही बंदा कॉल रिसीव करता हुआ जिसने आपको नंबर दिया। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता है। एक्चुअल में होता है ऐसे कि मान लीजिए कि आपने कहा कि ये जो कैमरा पकड़े भाई साहब इनके बैंड बजा दो, ठीक है। हमें लगता है एक दो दिन हम तुरंत तो नहीं बजा सकते, ऑफिस में और भी काम होते हैं और भी लोगों की बैंड बजानी होती है, तो क्या है कि आप इनसे लगातार पूछते हैं अरे रेड एफएम से कॉल आएगा, अरे रेड एफएम से कॉल आएगा, अब ये समझ जाएंगे कि अच्छा होने वाला है मेरे साथ। तो इस तरह से लोग ऑलरेडी बता देते हैं। नहीं नहीं वो बताते हैं, जैसे एक को अभी हम लोगों ने तीन दिन पहले कॉल किया, उसे जैसे ही कुछ बोला कह रहा है हाँ वो रेडियो से बोल रहे हैं, वो बैंड बजाने के लिए बोला क्या हमारा, अरे किसने बताया, उसी ने बताया है। तो ये क्या था भाई, बहुत बड़ा ब्लूपर होता है हमारे लिए। सो ऐसे मैसेजेस आते हैं बहुत सारे, 2:08 रात में और दिन में और 12:52 AM रात में 1 बजे ये ऐसे मैसेजेस आते हैं, देखो बचाओगे या नहीं बता दो, मतलब रात के 2 बजे इंसान मैसेज करता है और उम्मीद करते हैं कि रिप्लाई करें और उसी वक्त उनकी बैंड बजाए। उनको लगता होगा की हम लोग पर्सनल नंबर से कॉल करके बजाते होंगे बैंड। तो अनूप से जानते हैं कि आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ था। मेरा एक्चुअली ये चीज मैंने अपनी सीवी में भी मेंशन नहीं की है कि क्लास 12 के बाद और नो फर्स्ट प्रॉपर जॉब पकड़ने के पहले इस बीच के इंटरवल में मैंने 7 जॉब्स किए, कुछ 1 घंटे के लिए, कुछ 1 दिन के लिए, कुछ 4 घंटे के लिए, कुछ बस इंटरव्यू क्रैक करके ऑफ अल्टर लेके घर में बैठा रहा इस हिसाब से, क्योंकि अपना ऐसा हुआ था कि क्लास 12 के बाद अपने सिलीगुड़ी में कॉल सेंटर्स का बहुत बड़ा क्रेज चला था और सबको चाहते थे कि भाई कॉलेज तो चलो शाम के टाइम है, 3-4 घंटे है, ठीक है दिन में कमाई करेंगे आराम से, कॉल सेंटर में सैलरी मिल जाती है इनिशियली 6-8 हज़ार, और 2009 की मैं बात कर रहा हूँ, 6-8 हज़ार मतलब आप बहुत अमीर है, रब 6-8 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, बहुत अमीर है। तो अपने में भी क्रेज चला चलो ठीक है एक्स्ट्रा कुछ जॉब करें बिकॉज पढ़ाई भी खुद से स्पॉन्सर करनी थी, एज लाइक चलो ठीक है करते हैं। तो एक मोबाइल ब्रांडेड एक मोबाइल का एक स्टोर था तो उसमें मेरी जॉब लगी, उन्होंने टी शर्ट भी दे दिया कि हाँ भाई ये टी शर्ट लो कल से पहन के ना, रेड कलर की टी शर्ट है, ठीक है ठीक है। मैं टी शर्ट लेके नहीं जाएंगे। फिर मेरी दूसरी जॉब लगी एक रिटेल मार्केटिंग वाला सीन था, उसमें क्या कि वो लोग एमबीए की डिग्री प्रोवाइड कर रहे थे 3 साल में, क्या कि 3 साल आपने यहाँ पे जॉब करना और जॉब के साथ साथ आपको एमबीए की डिग्री मिल जाएगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात करें, पैसे भी देंगे, पैसे भी देंगे, आपको एमबीए की डिग्री भी मिलेगी 3 साल में और सैलरी भी मिलेगी। मैं बहुत एक्साइटेड, मैं पहले दिन गया बोला ठीक है आज फील्ड ट्रिप है, ओके फाइन चलो गया, तो देखा वो लोग किताब लेके डोर टू डोर बेच रहे हैं, मैं बोला ठीक है नहीं जाएंगे, पूरा दिन उसमें वेस्ट किया, बोला नहीं जाएंगे। फिर एक बाइक के सर्विस सेंटर में मैंने जॉब के लिए अप्लाई की थी, मैं वो न्यूज़पेपर में देखा नेक्स्ट डे पहुंच गया, तो बाइक के सर्विस सेंटर में गया, जो बॉस थे उन्होंने बोला कि सब कुछ तो ठीक है बाइक चलाना आता है, हाँ ठीक है क्यों कर रहे हो ये नौकरी, ये तुम्हारे लिए नहीं है प्लीज कुछ और देखो, नहीं तो हमारे पास कुछ और होगा, शक्ल लेके बोल दिया होगा यार तुम ना करो यार ये काम, अच्छा नहीं लग रहा है इस हिसाब से। फिर एक बार मेरी एक कार के शोरूम में मैंने अप्लाई किया था, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने बोला ठीक है गाड़ी चलानी आती है, बोला नहीं तब तो मुश्किल है। बाकी मुझे गाड़ियों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, गाड़ी मोबाइल इन सब चीजों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे करके एक के बाद एक कॉल सेंटर का ऐसा सीन हुआ, कॉल सेंटर मुझे एक बार में सैलरी ऑफर कर रहे थे, जैसे एक होता है उनका टेंडेटिव सैलरी वो लोग ऑफर करते हैं 1200-1500 रुपए की फॉर अ मंथ, बट मेरा कर रहे थे कि भाई एक बार आपको हायर कर लेंगे बिकॉज मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी थी, इंग्लिश में पकड़ अच्छी, हिंदी में पकड़ अच्छी, बंगाली में पकड़ अच्छी है, उनको और क्या चाहिए। फिर मैंने सोचा ठीक है जाए ना जाए, ऑफर लेटर हाथ में, सैलरी दे रहे 8,000 महीने की, नहीं जाएंगे। फिर हुआ ऐसा कि वैलेंटाइंस डे था 14th of February, हमारे वहाँ लाइक मेरे एरिया में एक मॉल हुआ करता था, अभी भी है, तो उस मॉल में एक इवेंट हो रहा था जिसमें आरजेज लोग आए थे और मैं पहली बार लाइफ में किसी आरजे को देखा था कि अच्छा आरजे ऐसे होते हैं देखने में, मैं तो कुछ और सोच के रखा था। अच्छा ठीक है आराम से अपना माइक लेके बोल रहा है, मैं मेरे 3-4 दोस्त हम लोग ऐसे ही खड़े हैं, ठीक है कोई गेम करा रहे हैं, ठीक है मींस वो टर्निंग पॉइंट था। हाँ वो टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, बट वो ऐसा पहला एक मोमेंट था मेरी लाइफ में जब मैंने रेडियो को इतने करीब से देखा, बिकॉज 2007 में प्राइवेट एफएम स्टेशन हमारे शहर में आए थे, तब 2 साल तो लगातार सुनना होता ही था, सबसे बड़ी अचीवमेंट होती थी कि प्राइवेट एफएम स्टेशन में हम एसएमएस करते थे, 3 रुपए करते थे, बदले में एक रिप्लाई आता थैंक यू फॉर लिसनिंग टू ये। हम लोग फ्लॉन्ट करते थे ये देखो उस कंपनी से मेरे पास मैसेज आया है ऐसे करके, तो रेडियो से लगाव वैसे बढ़ता गया एंड पहली बार रेडियो को इतने करीब से मैंने देखा था, तो स्टेज पे बुलाया, गेम्स ये सब खिलाए, ठीक है म्यूजिक सीडी एक जीता मैं,
ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो वहां पे एक और उनका जो मार्केटिंग का बंदा था, उनसे मैंने, जो आज के टाइम में लोग हमसे पूछते हैं कि आरजे कैसे बनते हैं, तो मैंने ये सवाल उनसे किया था कि आरजे कैसे बनते हैं. मुझे याद है उन्होंने बोला, ठीक है आवाज अच्छी है, प्रेजेंस अच्छा है स्टेज में, ठीक है आप ये मेरा कार्ड लो, आप मेरे को कॉल करना भी गया. तो मैंने 12th के एग्जाम देने वाला हूं. ये सेम क्वेश्चन मैंने किसी एक आरजे से पूछा था, तो उन्होंने बताया था बाबू आरजे बनने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो ये कि रेडियो स्टेशन में वैकेंसी होना. ये तो मैं बहुत पहले किसी को यही होता है. तो वहां से उसके बाद क्लास 12th के एग्जाम्स मैंने दे दिए, बोर्ड्स एग्जाम, कॉमर्स का स्टूडेंट हूं. उसके बाद फिर मैंने कॉल किया कि मेरा 3 महीने का टाइम है, क्या करें. तो वो लोग अपना स्टेशन शिफ्ट करे थे एक जगह से दूसरे जगह, और एम्प्लॉयज भी ज्यादा नहीं थे. मैं बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ, मेरे उस ऑफिस में बैठने दो, मैं, मेरे को ना सैलरी चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं उस बैठूंगा. कि 3 महीने का टाइम मेरे पास हाथ में, कोई बोल रहा है टैली कर लो, कोई बोल रहा है फोटोशॉप सीख लो, डीटीपी सीख लो, नहीं. उस टाइम पे यही ऑप्शन ही देते थे लोग, टैली कर ले, कुछ कर लो, टैली कर ले. और बीच में मेरा जॉब का चल ही रहा था, क्लास 12th के एग्जाम्स का जॉब का चल रहा, 6-7 जॉब्स. मैं बीच में सोचा चलो ठीक है और कुछ नहीं, बस ऑफिस में जाके बैठूंगा और कुछ नहीं, जो भी टाइप करना है सीडी से ऐसे ना आर्टिस्ट के नाम लेबल ये सब टाइप करना है करेंगे, कोई बात नहीं. वहां पे फिर किया, उसके बाद फिर इनिशियली वहां से ऑफर आया मुझे कि ऐसे ऐसे आप एक शो ऑफर कर रहे हैं. मैं बोला ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो शो सिर्फ मुझे ऑफर नहीं किया जा रहा था, मेरे साथ एक जोड़ीदार भी थी. बट लास्ट मोमेंट में वो निकल गई, छोड़ गई, निकल गई शो के एक दिन पहले. वो लड़की दूसरे स्टेशन उसने ज्वाइन कर लिया. बोला ठीक है, अब मेरा क्या होगा. मैं था बच्चा 17 साल का, 17 साल के बच्चे को ये बता दिया जाए कि कल से आपका शो है, ओहो वो तो चले गई. मैं रोने लग गया, अब क्या करें. रोते रोते नेक्स्ट डे हुआ ठीक है. उसके बाद शो शुरू किया, पहला शो, उसके बाद बैक टू बैक हर रोज. हम लोग क्या करते, जैसे अभी क्या कि शो करना है 4 घंटे, आराम से देख लिया, अपने हिसाब से बोल दिया, बना के एक एक लाइन में लिखा करता लिखते थे हम लोग, एक एक लाइन स्ट्रेट. वहां पे उस कंपनी में मैंने करीब 8-9 महीने जॉब किया, एक एक लाइन लिख के. मतलब ऐसे बोल रहे हैं, ये सुपर हिट्स 93.5 से शुरू किया लिखना और बजाते रहो तक लिखा. बीच में क्या बोलना है, एक एक वर्ड में सारी चीजें. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मैंने तो अभी 2013 की मैं बात बता रहा हूँ अपनी, तो 2009 शायद 9 की बात बता रहे हैं, ये था कि अगर बीच में जो लिख कर लाए अगर एक वर्ड कहीं छूट गया तो फंबलिंग शुरू हो जाती थी, क्योंकि बोलना वही है जो लिखा हुआ है. और इतने सारे प्रिंट आउट ले नहीं सकते, ऑफिस वाले पीछे पड़ जाएंगे कि इतना सारा प्रिंट क्यों ले रहा तुम लोग. एक एक वर्ड ऐसे लिखते थे डायरी में. मेरे पास में 6 या 7 डायरीज हैं जिसमें सारे शोज लिखे हुए हैं जो किए हैं आज तक. और अभी का क्या स्टेटस है? अभी तो प्रेप्स बना दे से, अभी सब साइज पे फटाक आ रहा है, मेल ग्रुप में आ रहा है. कंटेंट कहां से आते हैं? कहीं से भी, जहां से मिल रहा है. जो अभी आप कंटेंट दे देंगे बहुत सारा जाते जाते. अच्छा, मतलब ऑब्जर्वेशन, बेसिकली ऑब्जर्वेशन पे अब सारी चीजें डिपेंड करती है. लेकिन जैसे इसने अपनी जर्नी बताई, मेरा तो मतलब बहुत शॉर्ट में बोला कि हाँ ऐसा ऐसा रहा. लेकिन हाँ, स्ट्रगल सब करते हैं, ये बात सच है. और मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि मतलब मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब हम लोग थोड़ा सा लाइक सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग हमारे बारे में जानना चाहते हैं. उसमें जब हम उनको अपना वाला पार्ट बताते हैं जहाँ पर हम थोड़ा झेले हैं, तो उनको लगता है यार ये तो रियलिटी शोज वाला हाल हो गया. लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन फैक्ट ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बताता नहीं कि क्या किया, नहीं किया, कैसे किया, लेकिन जितनी और जैसी चीजें की हैं वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता. मेरे को कोई शर्म नहीं यार, मैंने किया है. वक्त खराब था मेरा, एजुकेशन लोन मैंने लिया हुआ था, मैं आज भी चुका रहा हूँ, इतने टाइम के बाद मैं आज तक चुका रहा हूँ. सो फैक्ट ये था, फैक्ट ये है कि मतलब इन शॉर्ट अगर बोले तो लोगों के मोबाइल पे लैमिनेशन भी किया है. वो जब लैमिनेशन वाला रोल नहीं आता था, रोल खींचा, काटा, फिर लगाया, फिर उसको ब्लेड से उसको प्रॉपर किया, वो भी काम किया हुआ है. सो वो भी देखा है और ये भी देख रहे हैं. अच्छा, तो फिर जब आप दोनों को जब पता चला हुआ कि यार एक दूसरे के साथ काम करना है, तो उस समय कैसे महसूस हुआ था? उस समय ऐसा हुआ था कि मैं पहले आप दोनों मिले हुए थे या फिर डायरेक्ट मिले? मैं पहले ट्रेनिंग में था. ये बाहर गया हुआ था, ये शायद कहाँ गया था तू? कहाँ पर? जब दिल्ली में हम लोग लिफ्ट के बाहर मिले थे. मैं कहाँ गया? कहीं गया हुआ था तू. तू नेक्स्ट आया था मेरे ज्वाइन करने के एक दिन. अच्छा, तू उस दिन नहीं था? उस दिन नहीं. अच्छा, मैं तो लिफ्ट में मिला ना तेरे से. अच्छा, फर्स्ट टाइम देखे लिफ्ट में? नहीं, मैं पहले था. मैं रेड एफएम कर रहा हूं, ट्रेनिंग में रेड एफएम ने पहले बुलाया हुआ था. ये नहीं आया था क्योंकि इसको जहां पर था ये वहां से जो भी नोटिस पीरियड सर्व करके पहुंच रहा था. सो ये बाद में इसको ज्वाइन करता शायद मेरे 1 महीने बाद. ऑलमोस्ट 1 महीने बाद. तो मैं 1 महीने पहले से दिल्ली में था, बट जिस दिन ही आया उस दिन मैं नहीं था. अच्छा, फिर जब बताया गया कि दोनों को साथ में करना है तो दोनों ने साथ में घूमना शुरू किया थोड़ा थोड़ा.
हमने सबसे सबसे अच्छी चीज जो आई थिंक जितने भी जॉक्स जो साथ में शोज करते उनको ये चीज करनी चाहिए, हमने रियलाइज किया कि हमने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस किए थे, बहुत सारे कम किए थे, बाप रे बाप, एक बहुत चीज को लेकर नो पेपर और पेन लेकर हम लोग बैठते थे छोटे से रूम में पड़े हुए में क्या करना ठीक है ऐसे गूगल पे बोला अच्छा तो हनी सिंह की कॉन्सर्ट कैंसिल हो गई तो भाई इसी लाइन पे खेलेंगे तो भाई हनी सिंह की कॉन्सर्ट कैंसिल हो गई अबे होनी थी जैसी हरकतें करता रहता है। सो ये वो प्रैक्टिस है जो हम लोग कर रहे हैं टर्न बाय टर्न। अच्छा तो अभी अभी आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी है? अभी तो आप तो सुनने वाले बताएंगे भाई, सुनने वाले बताएंगे तो वही इन चीजों पर। हां इन चीजों पर बहुत जनता चाहती है क्या कि आप उन्हें बताएं, आप दोनों उन्हें बताएं कि आप दोनों की बॉन्डिंग अभी कैसी है। हमारी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा बढ़िया है। अभी तो ऐसा ना कि अगर हम लोग कुछ यूनिक सा भी सोचते हैं जो इससे लगता है कि सिर्फ इसके दिमाग में है वो ऑटोमेटिकली मेरे में आ जाता है। एक साथ सोचते हैं एक साथ सोचते यही मैं कहने जा रहा था। सबसे जो बढ़िया चीज है कि मैं कहां रुकूंगा ठीक है और मुझे अपनी बात के बाद क्या बात चाहिए या इसको क्या बात चाहिए वो एक दूसरे के दिमाग में अपने आप से आ रहा है। अच्छा अभी वो चीज हो गई। मैंने दोपहर को कॉल किया तो मुझे दोपहर को ये पता चला कि अनूप और आप दोनों साथ में ही रहते हो। इसने पूछा ना कि अनूप सर हमने भाई एकदम साथ में टेंशन ना दुमाओ ना इधर तो अभी ये हाल है। अभी ऐसा आपके साथ भी होगा कि आप गाड़ी में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में बैठा कुछ लेफ्ट हैंड साइड कोने में आपको कुछ दिखा यूनिक सा तो आप बाकी वाले वो देख हम दोनों भी एक साथ दिखते हैं। अब ऐसा होता है कि एक साथ दिखते हैं। मैं से बोलता भाई वो देख हाँ देख रहा हूँ भाई वो देख हाँ देख रहा हूँ। इस तरह से हमारी नजर भी इतनी लाइक सिंक में हो गई है तो इट्स प्रीटी अमेजिंग। ये वाकई में ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और हाँ एक चीज जरूर है बहुत आसान नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि दो लोगों को साथ बैठा के हम करा लेंगे सो ये आसान नहीं है क्योंकि जब अकेला बंदा कर रहा होता है तब उसको समझ नहीं आ रहा होता कहाँ पर रुकना है क्या बोलना है नहीं बोलना है। फिर दो लोगों का सेम पिच पे जाना बहुत मतलब हम लोग शायद ब्लेस्ड हैं यार कि इतना अच्छे से जा रहा है सब।